मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट मैथ। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 to 9। टुडे आई टीच यू क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स बाय √ टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x2। तो आप सीधे भी यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो टैन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट क्वेश्चन आपका बहुत ही लॉन्ग और लेंथी बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या करें, तो एक्स इक्वल टू टैन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स, तो बाई √ टैन इनवर्स एक्स की जगह टैन थीटा रख दीजिए, तो 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। बाई √ टैन इनवर्स टैन 3 थीटा, दिस इज फार्मूला ऑफ टैन 3 थीटा। टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू थीटा, तो बाय इक्वल टू दिस दिस 3 थीटा, तो बाय इक्वल टू 3 थीटा वैल्यू टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। अब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बाय इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन आपका लेंथी बन जाएगा, कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी, तो इसमें भी क्या करें, तो एक्स इक्वल टू टैन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, बाय इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू रिप्लेस की गई है टैन थीटा से। आप देख रहे हैं ये फार्मूला है कॉस टू थीटा का, इसके टर्म में टैन के टर्म, तो बाय इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, दिस इज इक्वल टू है कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, इससे ये कैंसिल, तो आपका आ जाएगा बाय इक्वल टू टू थीटा, बाय इक्वल टू टू थीटा, बाय इक्वल टू टू थीटा वैल्यू टैन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू कांस्टेंट है, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। तो ये देखिए सिमिलरली थे दोनों क्वेश्चन, 11 नंबर के बाद 12 बाय इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हैं ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के सेम है, सीओ वाले माइनस आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन भाई जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा कोई रख दीजिए कि ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, साइन 2 थीटा का टैन के टर्म में होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मेरे ख्याल से एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल टू
cos इनवर्स x, तो थीटा का भी हो जाएगा आपका cos इनवर्स x अपॉन 2 y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा y इक्वल टू sin इनवर्स यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा है एकदम वही चीज आनी चाहिए। अगर साइन इनवर्स है तो साइन आना चाहिए, टेन इनवर्स है टेन आना चाहिए, कॉस इनवर्स है तो कॉस आना चाहिए। तो अब यहाँ साइन इनवर्स है यहाँ साइन आना चाहिए, ये कोई फार्मूला है नहीं। तो वन माइनस कॉस टू थीटा का होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब वन प्लस कॉस टू थीटा का एक फार्मूला है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। मुझे लगता है फंस गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स इस वन से ये वन कैंसिल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन और ये कितना हो जाएगा वन से वन कैंसिल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज टू से टू कैंसिल। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। टेन स्क्वायर थीटा हो गया, टेन थीटा को काट लेना है तो फाइव बाय टू साइन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा। चलो डिफरेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन की पावर फोर थीटा डी ओवर डी थीटा टेन स्क्वायर थीटा। नहीं लगा तो दिन इसका हो गया टू टेन थीटा और टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस टेन की पावर फोर थीटा साइन वन का साइन वन का टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट वन माइनस टेन की पावर फोर थीटा आंसर। तो चलो देखिए इसका ये आंसर तो आ गया है, बट ये आंसर एनसीईआरटी से मैच जब ही होगा जब हम टेन थीटा से थीटा की वैल्यू रखें इसको इलिमिनेट करें तभी इसका आंसर मैच होगा। और अगर इसका आंसर मैच करता है तो यहाँ पर एक दूसरा रख दीजिए या तो कर टू टेन थीटा आर करके इसको भी आप लगा सकते हैं आर करके। तो ये कितना हो जाएगा फाइव कर टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बाई बाय टू साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका कॉस टू थीटा। अब यहाँ कॉस यहाँ साइन है तो बाई बाय टू साइन इनवर्स इसको लिख लीजिए साइन पाई बाय टू माइनस टू थीटा साइन नाइनटी माइनस थीटा पर टू कॉस थीटा ऐसे ये कर दिया बाई बाय टू कर दिया पाई बाय टू माइनस टू थीटा। तो बाई बाय टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स है tan inverse x। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाय वन डी एक्स इक्वल टू पाई बाय टू का जीरो माइनस टू और tan inverse x का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये आ गया माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर उससे मैच हो जाएगा और उसमें आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साल क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है होमवर्क साल 13, 14, 15 दैट साल 13।